हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाए हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी होममेड ब्लीच जो आपको एक गोल्डन ग्लो देगी। फ्रेंड्स, जब भी फेस पर इंस्टेंट ग्लो की बात आती है तो सबसे पहले हमें याद आता है अपने फेस पर ब्लीच का यूज़ करना। धूप से झुलसी हुई और प्रदूषण से बेचैन हुई स्किन ब्लीच करते ही दमकने लगती है। कुछ लोग तो पार्लर में जाकर ब्लीच करवाते हैं और कुछ तो घर पर ही लाकर ब्लीच कर लेते हैं, पर जो हम मार्केट से लाकर ब्लीच का यूज़ करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, क्योंकि इन ब्लीच में केमिकल पाया जाता है जो हमारी स्किन को डैमेज करता है। दोस्तों, इन ब्लीच से हमें इंस्टेंट ग्लो तो मिलता है, पर ये धीरे धीरे हमारी स्किन को डार्क भी करती है, जिससे फिर हम इन ब्लीच का जल्दी यूज़ करते हैं और एक दिन हम इनके आभारी हो जाते हैं। और यदि हम इन ब्लीच का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें अपना फेस बहुत ही काला नज़र आने लगता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी स्किन को कभी भी काला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस ब्लीच का यूज़ करें। ये भले ही आपको इंस्टेंट ग्लो ना दे, पर ये आपको धीरे धीरे गोरा जरूर बनाएंगे, जिसके बाद आपका फेस कभी भी काला नहीं होगा और ना ही ये आपके फेस पर कोई साइड इफ़ेक्ट देगी। तो फ्रेंड्स, इस ब्लीच को बनाने के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस ब्लीच को बनाने के बारे में। इस ब्लीच को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इन्ग्रीडियंट। इमली, इमली में विटामिन सी और विटामिन बी, एंजाइम, फाइबर, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं जो डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। इमली हमारी स्किन पर एक ग्लो देती है, यह हमारे फेस पर मुहासे और चिकन पॉक्स के निशान को रिमूव करती है। दही, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करती है और ओपन पोर्स को टाइटन करने में मदद करती है, और ये फेस की एंटी एजिंग और फाइन लाइंस को रिमूव करती है। लेमन जूस, नींबू विटामिन सी, विटामिन बी, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है जो आपके फेस को फेयर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यह आपके फेस के डेड सेल्स और रिंकल्स को रिमूव करता है। कस्तूरी हल्दी, कस्तूरी हल्दी आपके फेस को एक गोल्डन ग्लो देने में हेल्प करती है। यह आपके फेस की सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करती है और आपको एक गोरा रंग प्रदान करती है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप अपने किचन में यूज़ होने वाली हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसका यूज़ आपको बहुत कम मात्रा में करना है। हनी, हनी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे फेस के रिंकल्स को रिमूव करता है और ये हमारी स्किन पर एक मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करता है। अब जानते हैं इस ब्लीच को बनाने की विधि। इस ब्लीच को बनाने के लिए आप थोड़ी सी इमली लें और फिर इसको धीरे धीरे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसमें 2 चम्मच पानी डालकर 10 मिनट के लिए रख दें और फिर 10 मिनट बाद आप इसको स्पून से मैश कर लें और इसके बीज और छिलक को अलग कर दें, और इसमें से ब्राउन कलर की जो क्रीमी पेस्ट निकलेगा उसको 1 चम्मच अलग बाउल में लें और फिर इसमें 1 चम्मच दही डाल दें, 1 चम्मच लेमन जूस, 1/2 चम्मच कस्तूरी हल्दी पाउडर डालें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच हनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपकी ये गोल्डन ग्लो फेशियल ब्लीच बनकर तैयार है। अब इस ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए पहले आप अपने फेस को वॉश कर लें और अच्छे से क्लीन कर लें और फिर इस गोल्डन ग्लो ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई करें। फिर इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दें और 30 मिनट बाद आप अपने फेस को गुनगुने पानी से वॉश कर लें। फ्रेंड्स, ये ब्लीच आपको एक गोल्डन ग्लो देगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप इस ब्लीच को ज़रूर यूज़ करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।